पहले जब ये मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, तो भारत वालों को इंडियन को इंडियन लेडी के नाम से जानते थे लोग। आज से पहले कितनी बेरोजगारी थी, कौन से रोजगार थे, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर थे, कितने वो थे, डिग्री पे क्या कहेंगे, किस मोदी जी की डिग्री पे। अरे मैडम कहाँ की आप बातें उठा के लाइए, आप देश की बात कीजिए। तो जैसे ही विरोध में मैंने सवाल पूछा तो सारे यहाँ से पूछिए, विरोध में मना कौन कर रहा है, चिड़ने वाली क्या बात है। जाइए जंतर मंतर पे जाके देखिए। देखिए प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के राजघाट पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ये पोस्टर देख सकते हैं, हालांकि ये पोस्टर सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे रोड पे है, पूरे आप सड़कों की हालत देख सकते हैं। सड़कों पे लिखा हुआ है महात्मा जी का अपमान करने वालों को करने वाले शराब घोटाले के सरगना केजरीवाल इस्तीफा दो। ये पूरे राजघाट पे ये पोस्टर आपको दिखाई दे देगा अगर आप यहाँ पे आएंगे। तो मेरे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे कि आप लोग जो बार बार जो नारे लगा रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा दो, वहीं केजरीवाल सारी विपक्षी पार्टियाँ एकजुट हो रही हैं, और कह रही है बीजेपी तो खुद वॉशिंग मशीन है, उसमें कितना भी काले कारनामे करके जाओ और वाइट होके आओ। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब नदी के एक घाट पे एक साइड सारे लकड़ बग्गे चोर लुटेरे इकट्ठे हो जाते हैं ना जानवर, तो समझ लेना चाहिए दूसरी साइड शेर खड़ा हुआ है। तो आप मोदी मतलब बीजेपी पार्टी शेर है? वो तो विश्व का शेर है, बीजेपी का शेर नहीं है, वो तो विश्व का शेर है। किस बात में? किसी एंगल पे आ जाओ आप, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे कहाँ है विकास? विकास का किस चीज का विकास हो रहा है? पूरे देश का विकास हो रहा है। जहाँ पहले अमेरिका भारत के किसी अधिकारी को, किसी प्रधानमंत्री तक को आने के लिए एंट्री नहीं देता था। एपीजे अब्दुल कलाम जा चुके हैं अमेरिका, महात्मा गांधी जा चुके हैं, भीमराव अंबेडकर जा चुके हैं, और हमेशा से भारत नंबर वन रहा है अपने संस्कृति को लेके, अपने बहुसंख्यक आबादी को लेके, अपने बहुभाषीय संस्कृति को लेके। पहले जब ये मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, तो भारत वालों को इंडियन लेडी के नाम से जानते थे लोग। लोग विदेशी कहते थे इंडियन लेडी है, तो कुछ नहीं है। तो उस टाइम में और आज में तो बहुत फर्क है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है, पूरा विश्व मान रहा है। अभी रिपोर्ट भी आया अमेरिका से कि लोकतंत्र यहाँ का खतरे में, इस पे आप क्या कहेंगे? कहाँ से आया है, किसने कहा है? अमेरिका की रिपोर्ट है, आप पढ़ाई नहीं है। मोदी जी तो अप्रूवल लीडर बने हैं, उसकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ रही है 75% आज वर्ल्ड के अंदर, मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग मिल रही है। एक दो चीजें गिनवाती हूं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे आप लोगों ने बैन लगवा दिया, इतना डर है डॉक्यूमेंट्री को लेके। अभी रामराज आपके यूपी में बीजेपी की सरकार है, अभी रात में ही उसका कत्ल हो जाता है लोग भरी महफिल में, जहाँ पे 20 पुलिस कर्मी मौजूद है। ये रामराज है, ये बीजेपी की सरकार है, जहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी ठप हो चुकी है। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ। जो जैसा करेगा उसका मिल रहा है कानून, काम कर रहा है। संविधान से देश नहीं चलेगा। क्यों नहीं चल रहा है? संविधान के तहत हो रहा है। किधर तहत हो रहा है? जब कोई भी गोली मार दे रहा है, आप बताओ, आप मेरी बात बोलने का मौका दीजिए। आप क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर मुझे बोलने तो दीजिए। आप बोलिए, आप ये कह रहे हैं कि कल एनकाउंटर हुआ है, यही तो कह रही है। जब एक अपराधी को पुलिस लेके जा रही है और उसी के साथी, उसी के गैंग वाले, उसी के विरोधी उसका कत्ल कर रहे हैं, तो उसमें पुलिस क्या करेगी, आप बताओ? उसके गैंग वाले का सनी सिंह है, राम, जय श्री राम, जय श्री राम के पाले हुए है। वो सारा जो है ना गड्ढे गुंडों का, उन्हीं का पाला हुआ है जो वो खत्म करने जा रहे हैं योगी जी। जब पूरी भरी, आप बताइए जनता कितने खतरे में है, जब आम उसके पास इतनी सिक्योरिटी है, फिर भी उसको मार दिया जा रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होगा उस राम का? जनता को एनकाउंटर हुआ है, आपने सुना है आज तक? एक एनकाउंटर बताइए आप, जनता कौन सी का हुआ है? उन दो के अलावा बताइए किसको मारा गया? आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी तो बन चुकी है, आप टक्कर में हैं। एक साल में बनी थी भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी, एक साल में बनी आरएसएस, आरएसएस साल में जाके मना रहे हैं खुशियां के हम लोग वो बन गए। भारतीय जनता पार्टी तो एक साल में बनी थी। डिग्री पे क्या कहेंगे, किस मोदी जी की डिग्री पे? अरे मैडम कहाँ की आप बातें उठा के लाइए, आप देश की बात कीजिए। डिग्री से काम करना के काम से, डिग्री तो मनमोहन सिंह के पास थी, अर्थशास्त्री थे। आज उस टाइम की अर्थव्यवस्था देखिए, आज भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए, आप किस गति से बढ़ती जा रही है। आपने बहुत ये जो कह रहे हैं शराब घोटाले, शराब के ठेकेदार, लेकिन ममता बनर्जी जो हैं वो कहती हैं कि जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी। ममता बनर्जी कहने से क्या हो जाएगा? ममता बनर्जी कहने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। जो ममता बनर्जी कर देंगे वो सत्य है क्या? जो देश देख रहा है वो सत्य है। आज जिस तरह से मोदी जी लगातार बहुमत मिल रहा है उनको, पूरी वर्ल्ड से सपोर्ट मिल रहा है, पूरी इंडिया से सपोर्ट मिल रहा है, ग्लोबल लीडर बनते जा रहे हैं, वो मानेंगे आप या ममता बनर्जी कहेगी? जब सवाल पूछा जाता है तो आप लोग इतना चीट क्यों जाते हैं?
कहाँ चिढ़ जाते हैं, हम तो आराम से जवाब दे रहे हैं आपको। अभी यहाँ पे दो चार लोग थे, जैसे ही विरोध में मैंने सवाल पूछा तो सारे यहाँ से आप पूछिए विरोध में, मना कौन कर रहा है, चिढ़ने वाली क्या बात है। आपका काम है क्वेश्चन करना, हमारा काम है जवाब देना, हम कहाँ चिढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी सच्चाई तो बताएंगे ना आपको। क्या लग रहा है ये जो शराब आखिरी सवाल है, शराब घोटाले पे जो आप इतना विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पे जो ये नारे लगवा रहे हैं, क्या होगा इससे? क्योंकि लोग कहते हैं कि ईडी सीबीआई जो है सारे उनके, और ये सिर्फ लोग नहीं कह रहे हैं, जब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्होंने भी कहा था कि राहुल गांधी ईडी सीबीआई के हमारे विरुद्ध काम करवाती थी, ये उन्हीं की जवान। मैडम ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, पहले जिस तरह से मनमोहन की सरकार की राज में घोटाले पे घोटाला हो रहा था और ईडी सीबीआई को बोल दिया, सीबीआई को कि आप एक साइड आराम कीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, आज वो नहीं है, आज जागरूक प्रधानमंत्री है और सभी एजेंसियां अपना काम कर रही है और जवान किसान जागरूक इतने हैं कि जवान किसान महिलाएं रोजगार सब कुछ हिला हुआ है और जंतर मंतर पे आए दिन लोग धरना देते हैं। कहाँ हिला हुआ है, कहाँ की बात कर रही हैं आप? जंतर मंतर पे जाके देखिए। देखिए प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। आप जो जैसे आपने कही जय जवान जय किसान की बात की, जवान की अग्निवीर की भर्ती पर कब नहीं किया, और जो उन्होंने किसानों के साथ क्या नहीं किया, किसान खुद धरने पे बैठे थे, किसी ने बिठाए नहीं, अपना खुद समझना नहीं किसानों को, वही आज बात कर रहे हैं एनएसपी कब खत्म किया सरकार ने, सरकार को बदनाम करना और विरोधियों को हथकंडा अपनाना ये काम है। किसानों ने कभी भी क्या करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक LIC में एजेंट भी हूँ, और जो बात करते बेरोजगारी की, और आज से पहले कितनी बेरोजगारी थी, कौन से रोजगार थे, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर थे, कितने वो थे, आप जो क्या रोजगार है बीजेपी की सरकार में? बिल्कुल है, रोजगार तो है ही, रोजगार आप बीजेपी से, हाँ जी, देश की जिस हिसाब से वो लेके जा रहे हैं, देश जिस हिसाब चला रहे हैं उस सबसे तो खुश है। डरते हैं क्या बोलने? नहीं, नहीं बोलने में क्यों डरेंगे, डरने की कोई बात ही नहीं है। कितनी कमाई होती है आपकी? कितनी कमाई हमारी? 500-600-400। घर में सबके पास रोजगार है, सब काम करते हैं। हमारे घर में तो मात्र चार फैमिली है, बच्चे तो मेरे छोटे पढ़ रहे हैं, तभी रोजगार कहाँ करेगा, पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ जी, फ्री में सब कुछ मिल रहा है। नहीं, दोनों बच्चे हमारे कॉलेज में हैं। कॉलेज में कितने पैसे लग जाते हैं? करीब लग जाते हैं, एक बच्चे अपने खुद थोड़ी बहुत काम करके अपने पैसे निकाल के वो अपने पैसे अपने लगा रहे हैं पढ़ाई में, और दूसरा बच्चा भी वैसे ही कर रहा है।